हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिन बेकी के द लॉयल पिन के बारे में और उनके आने वाले कुछ इवेंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिन बेकी के द लॉयल पिन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में द लॉयल पिन की लेटेस्ट पिक्चर आउट हुई हैं, जिनमें कुछ रोमांटिक पिक्चर भी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये दो पिक्चर देख के मुझे लगता है कि ये पिक्चर बीच साइड की हैं। इन पिक्चर्स को देखकर फैंस की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस सीरीज को देखने के लिए। लेकिन इसे देखने के लिए हमें अभी थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इसकी शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और आने वाले दिनों में फिन बेकी इसके लिए काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी रिलीजिंग डेट की अभी कोई अपडेट नहीं है, हम बस इसके लिए इसका वेट कर सकते हैं। तो ये तो थी द लॉयल पिन की बातें। इसके बाद बात करते हैं फिन बेकी के यूरेनस के फैन कन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूरेनस 4 जुलाई को रिलीज होने वाली है और हाल ही में इसके फैन कन के टीजर को भी रिलीज किया गया है, जिसमें हमें यूरेनस मूवी के काफ़ी अमेजिंग सीन देखने को मिले। और यूरेनस के फैन कन का इवेंट 6 और 7 जून को होने वाला है, जो कि 2 दिन तक लगातार चलने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये फिन बेकी का इवेंट जो है। तो ये तो थी द लॉयल पिन और यूरेनस की बातें। अब बात करते हैं फिन बेकी की इन इमेज की। जानते हैं ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर है फिन बेकी के अपकमिंग इवेंट और शूटिंग के शेड्यूल की, जिनमें से एक इवेंट हमें आज देखने को मिलने वाला है, जो नार्स ब्रांड के लिए होने वाला है। लेकिन जब तक मेरी वीडियो आएगी, इवेंट शायद हो चुका होगा। और इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं कि इस शेड्यूल में मोस्टली द लॉयल पिन की शूटिंग की ही डेट है, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। और जैसा कि आप सभी इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस पिक्चर की। ये पिक्चर है 19 इंटरटेन अवार्ड शो की, जो हमें आने वाले दिनों में दिखने वाला है। लेकिन अभी इसकी डेट आउट नहीं हुई है। इसमें फिन को वोटिंग देने के लिए कहा गया है। फिन्स के फैंस चाहते हैं कि हर बार की तरह फिन बेकी को ये अवार्ड मिले। इसमें फिन को पीपल फेवरेट कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। वेल, ये तो है, फिन सभी लोगों की फेवरेट है। आई विश कि फिन बेकी को हमेशा की तरह ये अवार्ड मिले, लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं बेकी की। जहाँ कुछ टाइम पहले बेकी अपने दोस्तों के साथ LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले थाईलैंड में इस बिल को पास कर दिया गया है कि सेम जेंडर अब एक साथ मैरिज कर सकते हैं। सच में ये न्यूज थाई कंट्री के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी कि यहाँ के लोग सेम जेंडर के साथ मैरिज कर सकते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं इस क्यूट मोमेंट की। जरा यहाँ तो देखिए बेकी कैसे अपनी फ्रेंड इरिन को अपने चिक्स पर किस करने के लिए बोल रही हैं। बेकी, अगर ये फ्रेंड ने देखा तो शायद जेलस फील करेंगी, और शायद आप भी नहीं चाहती कि फ्रेंड आपसे जेलस हो, है ना? और इसके बाद बात करते हैं फिन के हाल ही में हुए मिंट फोटोशूट की, जो हाल ही में आउट हुई है, और जहाँ फिन काफ़ी गोर्जियस और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और फिन की ये एक्सेसरीज जो इन्हें अलग ही लुक दे रही थी, ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक्सेसरीज शायद फिन के लिए ही डिजाइन की गई थी। इसमें फिन हमें अलग अलग लुक में नजर आई। ऐसे कहा जा सकता है कि फिन का चाहे कुछ भी लुक हो, वो हर लुक में ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो जिसकी वजह से फैंस उन्हें इतना लव करते हैं और उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। और आगे है आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। तो दोस्तों, यही थी बस हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।